चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की, जिन्होंने कहा है कि भारत को पाकिस्तान का पानी चोरी नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस ने भारत को दो टोक पैगाम दिया है कि आप पानी चोरी का पंजाब हुकूमत को इल्म है, ये सवाल भी उठाया गया, अगर इल्म है भी तो क्या इकदाम किए गए हैं। चीफ जस्टिस के दराए रावी और अबासिया लिंक कैनाल से पानी चोरी केस में रिमार्क्स में ये कहना था। अबासिया लिंक कैनाल से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस से मिलकर ऑपरेशन भी करेंगे और मुकदमात भी दर्ज होंगे। इकतदार में मौजूद लोगों को बता देंगे, मेरी इनको तंबी है। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी आपाशी पंजाब अली मुर्तजा से मुकालबा, 4 जनवरी को रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। आपको बताते चले, भारत को पाकिस्तान का पानी चोरी नहीं करने देंगे, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। और ये भी कहा कि भारत को दो टुक पैगाम दो, क्या पानी चोरी का पंजाब हुकूमत को इल्म है, अगर है तो क्या इकदाम किए हैं। चीफ जस्टिस के दरियाए रावी और अबासिया लिंक कैनाल से पानी चोरी केस में रिमार्क सामने आए, इस पर बात करेंगे उमर शाकिर से। उमर शाकिर, बताइएगा इस पानी चोरी केस में मजीद क्या रिमार्क्स रहे चीफ जस्टिस के? लाहौर रजिस्ट्री में दरिया रावी और अबासिया लिंक कैनाल से पानी चोरी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने सेक्टर इरिगेशन से 4 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स ये हैं कि भारत क्यों हमारा पानी चोरी कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत को पाकिस्तान का पानी चोरी नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा कि क्या दरिया रावी से भारत के पानी चोरी से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत को इल्म है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर पंजाब हुकूमत को इल्म है तो क्या इकदाम किए गए हैं। चीफ जस्टिस का दौरान समाअत मजीद कहना था कि बासिया लिंक कैनाल से गरीब किसानों का पानी चोरी नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि गरीब मजारों का पानी चोरी करना इनका खून चूसने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि पानी चोरी करने वाले के खिलाफ पुलिस से मिलकर ऑपरेशन करें, किसी का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे, पानी चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेक्टर इरिगेशन पंजाब अली मुर्तजा से मुकालमे के दौरान कहा कि इकतदार में मौजूद लोगों को बता दें कि ये मेरी उनको तंबी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सेक्टर इरिगेशन से 4 जनवरी को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली।